हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए सफ़ेद काबुली चने से बनने वाली हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से दोस्तों आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, आपके बेबी का ब्रेन का विकास, आपके बेबी की हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती और आपके शिशु का पाचन अच्छा करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने 3 छोटे चम्मच सफ़ेद काबुली चने ले लिए हैं। इसे हमने ओवरनाइट भिगो के रख लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ओवरनाइट भीगने के बाद जो चने हैं कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, एक मिक्सिंग बाउल में 3 छोटे चम्मच पोहा ले लिया है। इसे साफ पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक भिगो के रख लेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। 1 चम्मच घर का बना देसी घी ऐड कर लेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब दोस्तों, 2 काजू हमने ले लिए हैं, इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। 1/2 बारीक कटा हुआ संतरी गाजर ले लिया है, इसे भी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। और 1/2 बारीक कटा हुआ चुकंदर ले लिया है, इसे भी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। और जो काबुली चना हमने भिगो के रखे थे रात भर, उसका सारा पानी निकाल लिया है, इसे भी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक भून लेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह फूड बेबी बहुत ही चाव से खाता है। इससे आपके बेबी का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी को प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पर लगभग हो चुका है, 200 ml के करीब पानी ले लेंगे, इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर लेंगे और चुटकी भर बराबर हल्दी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ही रहने देंगे और 4 से 5 सीटी इस फूड में आने देंगे। तो बस दोस्तों, अब इसके बाद हमने एक मिक्सी ग्राइंडर का जार ले लिया है और जो हमने सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में उबाली थी, इसे एक कटोरी में निकाल लिया है। इसे मिक्सी ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे और जो हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हमने पानी प्रेशर कुकर में ऐड किया था, वही पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी एक फाइन सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख रहे होंगे आप दोस्तों, कितनी फाइन सी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर पतीला रख लेंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे और 1/2 से भी कम तो घी ऐड कर लेंगे, क्योंकि घी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब दोस्तों, चुटकी भर बराबर जीरा ऐड कर लेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब जो प्यूरी हमने बनाकर तैयार की है, इसे ऐड कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक लो फ्लेम में भून लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, जो पोहा हमने भिगो के रखा था, इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो ही रहने देंगे। अब इसके बाद दोस्तों, जो पानी हमने प्रेशर कुकर में ऐड किया था सारी चीज़ें उबालने के लिए, इसे हम धीरे धीरे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग ये 100 ml के करीब पानी है। अब इसके बाद दोस्तों, फूड को हम 10 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में करछी से भी चेक करते रहिएगा कि जो बेबी के लिए हम फूड बना रहे हैं वो पैन के तले में नीचे ना चिपके। तो दोस्तों, एक बार इस फूड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपका बेबी इस फूड को बहुत ही चाव से खाएगा। तो बस दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फूड में अच्छे से गाढ़ापन आ चुका है, फूड भी बनकर रेडी हो गया है। बस अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और फूड को ठंडा होने देंगे। फूड को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और अपने शिशु को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेंगे। जो मेरी शिशु है वो 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका बेबी 8 महीने का हो चुका है तो आप इस फूड को अपने बेबी को आसानी से दे सकते हैं। और आपका बेबी अगर 1 साल से छोटा है तो आप नमक अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि 1 साल के नीचे बच्चों को नमक नहीं दिया जाता है।
और आप इस फूड को अपने बेबी को लंच डिनर किसी भी टाइम बनाकर आसानी से दे सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले वीडियो आसानी से मिल सके। और अगर दोस्तों आपके फूड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।